I'm his biggest fan. दोस्तों, क्या आप जानते हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सक्सेसफुल स्टार किसे अपना इंस्पिरेशन मानते हैं? यानी सलमान खान। सल्लू मियां भले ही फिल्म कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन उनका जलवा हमेशा बरकरार रहता है, फिर वो बॉलीवुड हो या फिर साउथ की फिल्म इंडस्ट्री। वो लोगों के दिलों पर ही नहीं बल्कि उन फिल्मी कलाकारों के दिलों पर भी राज करते हैं जिन्हें करोड़ों फैंस पसंद करते हैं। सलमान खान की शख्सियत कुछ ऐसी है कि हर कोई उनसे एक अटैचमेंट फील करता है। उनका हम्बल नेचर हर उस व्यक्ति को बड़ा बना देता है जो उनके सामने होता है। हमारे आज के इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिएगा। हम आज लेकर आए हैं सलमान खान की बेहतरीन इमेज से रिलेटेड कुछ ऐसे किस्से जिन्हें जानने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि वाकई में पवन चतुर्वेदी का कैरेक्टर प्ले करके फिल्म बजरंगी भाईजान में सलमान खान ने कमाल कर दिया। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान जो भी करते हैं अलग ही अंदाज में करते हैं और उनका हर अंदाज उनके फैंस को दीवाना बना देता है। आने वाले दिनों में सलमान खान के फैंस के लिए कई खुशखबरी आने वाली हैं, क्योंकि उनकी अपकमिंग फिल्में एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। सलमान खान बाय नेचर काफी कूल बिहेवियर रखते हैं। अगर उनके पास्ट की बात की जाए तो कभी उनका नेचर काफी एग्रेसिव हुआ करता था, लेकिन आज उन्होंने अपने आप में काफी चेंज किया है। उनके को स्टार एक्टर और एक्ट्रेस भी उनकी तारीफ करते हैं। अगर आप बिग बॉस देखते हैं तो उसमें आप सलमान खान को एज ए होस्ट जरूर देखते होंगे। घर में रहने वाले बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के बीच झगड़े और उनके मैटर को सुलझाते समय किसे डांटना है और किसे चुप कराना है, किसको एनकरेज करना है और कब किसको डोमिनेट करना है, ये सब डिसीजन तत्काल ऑन द स्पॉट लेना होता है और ये काम आसान नहीं है, लेकिन सलमान खान इन तमाम कामों को बखूबी कर लेते हैं। वो अपने को स्टार्स को भी आगे बढ़कर वैसा ही प्यार और रिस्पॉन्स देते हैं जिससे कि उनके सामने वाला व्यक्ति अपने काम के लिए एनकरेज हो सके, और सलमान खान के इसी बिहेवियर को अप्रिशिएट करते हैं। साउथ इंडियन कलाकार उनके टैलेंट, मूवी, एक्शन से तो इम्प्रेस हैं ही, इसी के साथ ही उनके नेचर की भी तारीफ करते नहीं थकते। जबकि आज के दौर में देखा जाए तो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस बॉलीवुड के अकॉर्डिंग काफी बेहतर हो गई है। इन दिनों बॉलीवुड से ज्यादा साउथ इंडियन फिल्में चल रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जिस तरह से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड फिल्में लेकर आ रही है वो वाकई में नए हैं, और इसके साथ ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इनका प्रेजेंटेशन भी जबरदस्त है। हाल ही के दिनों में आई फिल्म पुष्पा ने जहां अपनी कमाई के नए रिकॉर्ड्स बनाए, वहीं इसके बाद आई KGF 2 और RRR जैसी फिल्मों ने भी अपनी सफलता के झंडे गाड़े। ऐसा नहीं है कि ये फिल्में केवल अपने साउथ इंडियन रीजन में चलती हों, बल्कि ये फिल्में हिंदी दर्शकों के क्षेत्र में भी अच्छी खासी पसंद की जा रही है। अगर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड फिल्मों के बिजनेस को कंपेयर करें तो इस साल जहां बॉलीवुड की फिल्मों की ओपनिंग करोड़ों में अधिकतम दहाई के आंकड़े तक सीमित रही, वहीं दक्षिण भारत में बनी फिल्मों ने रिलीज होते ही 100 करोड़ के आंकड़ों को भी पार कर लिया। यानी ये कहने की जरूरत नहीं है कि वाकई में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आज के समय में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की अपेक्षा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, दर्शकों की उम्मीदों पर ज्यादा खरी उतर रही है। NTR, महेश बाबू, KGF 2 फेम, यश, सूर्या ऐसे सक्सेसफुल सुपरस्टार भी जब बातें करते हैं तो सलमान खान को अपना इंस्पिरेशन बताते हैं। KGF फेम यश, जब उनसे पूछा जाता है कि आपके लिए इंस्पिरेशन कौन है तो जरा आप खुद ही सुन लीजिए। सलमान सर इज ऑलवेज बीन इंस्पिरेशन फॉर दिस होल कंट्री कि इस इंटरव्यू में कोलार गोल्ड फील्ड पार्ट 2 से पूरी दुनिया में अपनी सफलता के झंडे गाड़ने वाले साउथ इंडियन सुपरस्टार यश क्या कह रहे हैं सलमान खान। दरअसल जब इंटरव्यू के दौरान यश से पूछा गया कि बॉलीवुड में कौन सा स्टार आपके लिए इंस्पिरेशन है तो उनकी जुबान पर एक ही नाम था और वो था हमारे सल्लू मियां यानी कि सलमान खान का। इतना ही नहीं, आगे और सुनिए कि आखिर दक्षिण भारत फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये कलाकार सलमान खान के बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। NTR जूनियर, इंटरव्यू में NTR जूनियर से पूछा गया कि बॉलीवुड बेस्ट एक्शन हीरो कौन है तो सुनिए उनका जवाब क्या था। Prefer best action star in Bollywood? Whole world knows it's Salman Khan. रामचरण, इसके बाद ये जान लेते हैं कि साउथ इंडियन सुपरस्टार रामचरण सलमान खान के बारे में क्या बोल रहे हैं, उनकी बजरंगी भाईजान के बारे में क्या राय है। I love Salman Bhai's movies, Bajrangi Bhaijaan, Sultan, Ekta Tiger. I mean, it's fantastic. बजरंगी भाईजान, सुल्तान, एक था टाइगर जैसी फिल्मों में सलमान खान के काम को ये सुपरस्टार भी देखना पसंद करते हैं। SS राजामौली, इतना ही नहीं, बाहुबली जैसी सुपरहिट फिल्म बनाने वाले SS राजामौली मंच पर सलमान खान के लिए क्या कह रहे हैं, उनकी तारीफों में क्या बोल रहे हैं,
जरा आप भी सुनिए। And he was talking to us like a friend, and only he can do that, the legendary भाईजान सलमान खान। Thank you very much, sir। SS राजामौली बताते हैं कि वो सलमान खान से पहली बार मिल रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला और सलमान खान एंट्री मारते हैं, तो उन्हें उनके एक गाने की तारीफ करते हुए अप्रिशिएट करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि वाह, आपने क्या गाना बनाया है, महेश बाबू। एक इंटरव्यू के दौरान जब महेश से सलमान खान के बारे में पूछा गया, तो आइए देखते हैं कि उन्होंने सलमान सर के बारे में क्या कहा। सलमान सर, सूर्या, साउथ इंडियन सुपरस्टार सूर्या से जब सलमान खान के बारे में सवाल पूछा गया, तो उनका भी जवाब सुनने लायक था। आइए सुन लेते हैं। I like the term which Salman Khan sir had said in a Robo audio launch. अली बाशा, ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक कॉमेडी एक्टर हैं, जिन्होंने लोगों को हंसाने वाले किरदार प्ले किए हैं। जब इन्हें सलमान खान के साथ आमने सामने आने का मौका मिला, तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए अली कहते हैं, पहुंच सकते गया तो भाई बैठ के है, सलमान भाई बैठ के, सर ये अली है एक्टर, अच्छा हाय सलमान। सलमान खान और उनके हेल्पिंग नेचर के बारे में तो आप सभी जानते हैं। बॉलीवुड में जगह बनाने वाले कितने ही नए नए कलाकारों को उन्होंने अपने साथ मौका दिया है, और सलमान खान के साथ काम करके ऐसे कलाकारों ने शोहरत और दौलत की बुलंदियों पर अपना राज कायम किया है। बॉलीवुड में सलमान खान के साथ काम करते हुए जिन कलाकारों ने अपनी पहचान बनाई है, वो भी सलमान खान की तारीफ करते हुए नहीं थकते। सोनाक्षी सिन्हा, कैटरीना कैफ, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्हें सलमान खान ने अपने साथ काम करने का मौका दिया, और ये आज बॉलीवुड में एस्टैब्लिश हो चुके हैं। हालांकि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के पैरेलल काम करती रही है। इस सिनेमा का अपना एक इतिहास है, ग्लोरी है। एक समय था जब ये फिल्म इंडस्ट्री ज्यादातर साउथ के एरिया में सीमित थी, और इन फिल्मों को देखने वाले ज्यादातर साउथ इंडिया में ही रहते थे। उन्हीं की भाषा में ये फिल्में बनती थी और वहीं पर पसंद भी की जाती थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ साउथ इंडियन फिल्मों ने हिंदी एरिया के दर्शकों तक भी पहुंच बनाई, और फिल्मों की डबिंग करके वहां बनने वाली फिल्में धीरे धीरे हिंदी भाषी क्षेत्र में भी देखी जाने लगीं। लेकिन आज भी साउथ इंडियन एक्टर्स के लिए बॉलीवुड स्टार सलमान खान का क्रेज वैसा ही बना हुआ है, और सलमान खान उनके इंस्पिरेशन बने हुए हैं। वाकई में ये कलाकार सलमान खान से मिलना, बात करना और उनके साथ काम करना पसंद करते हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत के कलाकार यूं तो शुरू से बॉलीवुड में भी अपने टैलेंट का सिक्का जमाते चले आए हैं। पुराने जमाने में हेमा मालिनी, रजनीकांत, श्रीदेवी, जयाप्रदा, नागार्जुन, कमल हसन और भी ऐसे बहुत से कलाकारों ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है, और इसके जरिए हिंदी भाषी एरिया में भी इन्होंने अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बनाई है। लेकिन बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का जलवा पूरे भारत में कायम है, और साउथ इंडियन दर्शक भी बॉलीवुड की फिल्मों को अच्छा खासा रिस्पॉन्स देते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड के दबंग खान वाकई में जितने अच्छे कलाकार हैं, उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। नए कलाकारों को सपोर्ट करने के साथ साथ वो अक्सर लोगों की मदद भी करते रहते हैं। यही वजह है कि सलमान खान को हर वर्ग का प्यार और सम्मान मिलता है। आज के टॉप सक्सेसफुल सुपरस्टार्स भी बॉलीवुड के दबंग खान को लेकर जो बातें कहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी सच्चाई को ये कलाकार भी फील करते हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताइए, आपको सलमान खान की सबसे बेहतरीन मूवी कौन सी लगती है? किस फिल्म में उनकी एक्टिंग ने आपको इमोशनल कर दिया? उनकी कौन सी मूवी आपको सबसे अच्छी लगती है? हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इसी के साथ मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।